ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन है। फाइंड टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बी फाइंड की हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड। ये 3 सेकेंड किसके आफ्टर, रिलीज करने के बाद का आफ्टर, आफ्टर 3 सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल बिफोर इट हिट द ग्राउंड, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल बिफोर इट हिट द ग्राउंड। और डी वाला क्वेश्चन, डी वाला को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि ऊपर में दिख जाए एक ही फ्रेम में। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। कहीं पे क्वेश्चन समझने में कोई डाउट, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ। चलो ठीक है, तब बनाओ।
हुआ? हाँ हुआ। चलो जाते हैं। पहला का आंसर क्या आया? फोर सेकंड। फोर सेकंड कैसे होगा तो देखो, इधर तुम लोग को पता ही होगा कि यू जीरो है, ये यू को हटाओ, एस तुम्हारा 80 है, यू जीरो है, टाइम निकालने के लिए डायरेक्ट लगा दो 80 बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ पे जी को 10, जी कुछ ना दिया हो तो 10 लेना है, मैं पिछले बार बताया था, तो यहाँ से जी से 10 निकालेंगे तो टी बराबर 4 सेकेंड आ गया यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन का क्या है? 35 मीटर। वो कैसे निकालेंगे तो इसे फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड है, ये 3 सेकंड के बाद हाइट पूछ रहा है, इसका मतलब 3 सेकंड के बाद डिस्टेंस पर देखते हैं, एस बराबर 3 सेकंड बराबर क्या होगा, हाफ इंटू 10 × 10 = 9, 45 मीटर। अब ये 45 मीटर ऊपर से डिस्टेंस है, ये ध्यान रखना, जैसे ये 45 मीटर जो है वो ये हाइट से डिस्टेंस है यहाँ से, जबकि तुम्हें बताना यहाँ से, तो तुम्हें 80 माइनस करना पड़ेगा इसमें, यानी जैसे सो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 - 45 यानी कि 35 मीटर, ठीक है। तीसरा वैल्यू तुम्हारा तीसरा क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल फॉर इंटीग्रल, ये कितना है? 40 मीटर पर सेकंड। देखो ई बराबर यू प्लस 80, यू जीरो है, जी ए 10 है, और टाइम कितना दे रखा है 4, तो यानी कि 40 मीटर पर सेकंड। फोर्थ का आंसर क्या है? फोर्थ 5 मीटर 15 मीटर और 25 मीटर। हमको हम लोग को पता है ना, एस बराबर होता है यू प्लस ए वाई टू इंटू 2n - 1 एन सेकेंड में, तो यू तो हमारा जीरो है, ए हमारा 10 है, और ठीक है एक पहला इसका ए पार्ट जहाँ पे कि एन को 1 रखेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 × 2 - 1 यानी कि 5 मीटर 2 - 1, ठीक है। एन बराबर 2 रखेंगे तो ये 15 मीटर कर देना, एन बराबर 2 रखना और एन बराबर 3 रख के 25 मीटर। हमें 3 के लिए यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड है हमारा आंसर रिस्पेक्टिवली 5, 15, 25 है। किसी को कोई डाउट पूरे में, कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ लो, ठीक है आगे बढ़ा जाए। अच्छा अब देखो इसमें थोड़ा सा फेस्ट, चलो एक क्वेश्चन एक पूछते हैं। अगर तुमसे ये पूछता कि फाइंड द हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड, क्वेश्चन मान लो ये रहता तो आंसर क्या होता? तुम लोग के हिसाब से क्या लगता आंसर क्या होता अगर पूछता फाइंड द हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड? तो मेरे ख्याल से आंसर जीरो होना चाहिए, तुम लोग के हिसाब से क्या होगा? मतलब ये वो बाउंस कर सकता है बॉल ऊपर वापस? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही दिमाग लगाना था। अभी बाउंस कर सकता है, तुमने क्वेश्चन सही पूछा, मैं आंसर भी यही चाह रहा था। उसका आंसर अभी मैं नहीं बताऊंगा कि वो क्या होगा नहीं होगा, उसके लिए कोलाइजन पढ़ना पड़ता है, उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरह चाहिए होता है जो अभी हम लोग नहीं जानते। लेकिन अगर अभी के हिसाब से सोचें तो हम लोग 3 सेकंड के बाद कमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक हमें एक कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यूज ना दी हो जो हमें बेसिकली चाहिए। तो 3 सेकंड के बाद का क्या होगा बॉल के साथ वो हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं इस लेवल पे, इस नॉलेज के हिसाब से 3 सेकंड के बाद बॉल के साथ क्या होगा, क्योंकि सॉरी 4 सेकंड के बाद क्या होगा, क्योंकि 4th सेकंड में बॉल टकरा जाएगा ग्राउंड के साथ, टकराने के बाद बॉल का क्या तरीका होगा, बॉल कैसे बिहेव करेगा, दैट विल ऑल डिपेंड ऑन समथिंग दैट वी हैव नॉट फेस्ड टिल नाउ, ठीक है, समय फेस करेंगे उस समय जान लेंगे। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, तो घुमा कुछ नहीं रहे, सिंपल है वैसा ही, बस बार रिलीज ना करके थ्रो कर रहे हैं नीचे, दो वर्ड आएगा रिलीज एंड थ्रो, ठीक है, तो दोनों में अंतर है। इसमें मान लो ये हाइट 50 मीटर है, ठीक है, और तुमने यहाँ से थ्रो किया
इनिशियल स्पीड यू जो है ना वो 50 मीटर पर सेकेंड ऐसा मान लो, अरे नहीं नहीं 50 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड मान लो। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन बॉल हिट द फ्लोर, फाइंड द टाइम व्हेन बॉल हिट द फ्लोर। चलो देखो होता है, हुआ बच्चों जी ये दो टाइम आ रहा है, एक है -1 +√11 और एक -1 -√11। तो ठीक है, बहुत जल्दी दो आंसर है समझना। चलो अब देखो, सिंपल सा आंसर होगा ना इसका कि अपने को एक ही पता है ना, एक मोटा नहीं सो गया, अपने को एक ही पता है कि एस हमको दे ही रखा है 50 मीटर, यू दे रखा है 10, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 50 बराबर 10t +½ × 10, तो सीधा 5 ले देता हूँ टी स्क्वायर, यू विल गेट टू आंसर फ्रॉम सॉल्विंग दिस। इससे अच्छा 5 को अधिक कर लो तो टी स्क्वायर +2t -10 = 0, आंसर क्या क्या होंगे, -2 +44 / 2 एंड अनदर इज 2 -144 / 2। अब तुम लोग को इतना तो पता चल गया होगा कि सही का आंसर ये होगा, असली का आंसर मतलब ये होगा आई थिंक, क्योंकि ये टाइम पॉजिटिव है और दूसरा वाला निगेटिव है। तो दूसरा वाला कौन सा आंसर होगा, मतलब किस केस का आंसर बता रहा होगा, जो हमारे पास दूसरा आंसर है वाला, ये किसका आंसर होगा, किस केस का, क्या लगता है। हेलो आवाज आ रही है, सिंपल सा बात है ना, ये वो वाला आंसर होगा जब हम इस बॉल को ऊपर फेंकेंगे, जिस समय हम इस बॉल को ऊपर फेंक रहे होंगे उसका आंसर बताओ, अगर हम इसी क्वेश्चन में बॉल को नीचे के बदले ऊपर फेंक दें तब जो आंसर निकल के आएगा ना वो दूसरा वाला है -2 -44 / 2। ठीक है चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे पास फिर से एक बिल्डिंग है, यहाँ पे कि इसकी हाइट है हमारे पास स्पेस में 100 मीटर, हमने एक बॉल को नीचे से थ्रो किया ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकंड से, और एक को हमने किया ऊपर से नीचे की तरफ
दैट इज 10 मीटर पर सेकंड. पूछता है कि फाइंड द टाइम व्हेन बोथ विल कोलाइड. फाइंड द टाइम व्हेन बोथ विल कोलाइड. देखो पता करो. हुआ 2 सेकेंड्स. ओके कैसे किए क्वेश्चन? ऊपर से जो बॉल आ रहा है उसका मतलब इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वो कुछ x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और नीचे वाला बॉल जो रहेगा वो 100 माइनस x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. दोनों का टाइम अगर सेम ले लेंगे तो फिर उससे कर सकते हैं कुछ. बहुत अच्छा, सिंपल सा बात है ना, कि मान लो कहीं बीच में टकरा रहा है, ठीक है. ओके अब अगर टकरा रहा है, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज एक्स एंड दिस डिस्टेंस विल बी 100 माइनस एक्स, और मान लो टी टाइम के बाद टकरा रहा है, तो टी टाइम के बाद अगर हम सोचें तो ऊपर वाले बॉल के रिस्पेक्ट में पहले लिखते हैं एक्स बराबर 10t + 5t² और नीचे वाले के टर्म में लिखें तो 100 माइनस एक्स बराबर 40t - 5t². अब एक काम करो, दोनों को जोड़ दो, एड बोथ. दोनों को जोड़ने से क्या होगा कि ये x x से कट जाएगा और ये 5t² 5t² कट जाएगा. यू विल गेट 100 बराबर 50t विच इम्प्लाइज दैट टाइम बराबर 2 सेकेंड. ठीक है, हमारा आंसर टाइम बराबर 2 सेकेंड. इसको एक और तरीका से कर सकता है. वैसे मुझे चीज अभी जो मैं बताऊंगा ना, ये अगला चैप्टर का टॉपिक जो भी बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी जानबूझ के बता रहा हूँ. उसका तरीका ये है कि तुम लोग कुछ अपने से भी सोचना सीखो अलग तरीका से. वो क्या, देखो अब क्या करो, तुमने इस क्वेश्चन को पता है कहाँ से किया? तुमने इस क्वेश्चन को जमीन पे देख के किया ना. जमीन पे तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम क्या है? अर्थ. रेफरेंस फ्रेम तुम्हारा अर्थ है ना, क्योंकि तुमने अर्थ से देखा. एक बॉल ऊपर जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, एक ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है. तुमने जो ये कैलकुलेशंस की, ये किस रेफरेंस फ्रेम में की? तुम लोग को मालूम है, तुमने अगर किया तो तुम्हें पता है किस फ्रेम से किया. क्या लगता है किस फ्रेम से ये सब कैलकुलेशन हुआ है तुम्हारे द्वारा? पता है ये क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में सबसे आसान होगा? इस सब चीज़ को लिखना मत, सिर्फ समझो, एक थॉट लो, इस चीज़ का एक थॉट समझते हैं. ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान होगा तुम किसी एक बॉल के रेफरेंस फ्रेम से देखो. इस क्वेश्चन को मजेदार करने का तरीका ये. वैसे मैं इन चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा रिलेटिव मोशन के चैप्टर में, बट फिर भी एक बार सोचो कितना अच्छा लगता है सोचने में, देखो पता चलेगा तुम्हें. मान लो हम इस बॉल को अपना रेफरेंस फ्रेम बनाते हैं, इस बॉल को अपना रेफरेंस फ्रेम बना लो, ठीक है.
अब रेफरेंस फ्रेम अगर हम इस बॉल को बना रहे हैं तो फिर क्या क्या होगा ये सोचते हैं। जब हम किसी बॉल को रेफरेंस बनाते हैं ना, तो हम अपने अगल बगल की चीजों को उसके अंदर जो भी चीजें ना सब दे देते हैं। व्हाट आई मीन, जैसे इसका स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है ना, तो ऊपर से आने वाला बॉल को जब तुम इस पे चढ़ के देखोगे ना, तो तुम्हें ये नीचे से 50 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखेगा। तुम ही बताओ, अगर तुम यूं जा रहे हो और तुम्हारा कोई दोस्त यूं आ रहा है, तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें लगेगा ना कि जल्दी जल्दी तुम दोनों एक दूसरे के आसपास आ रहे हो। लेकिन अगर तुम ऐसे जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त ऐसे जा रहा है, तो तुम्हें इसको पकड़ने में दिक्कत होती है कि नहीं होती? मतलब थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो जब तुम दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हो तो बहुत जल्दी मिलते हो, एज कम्पेयर टू अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। इसका कारण ये होता है, कारण ये होता है कि तुम अगर 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हो, आगे वाला 40 से आगे आ रहा है, तो तुम दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर पर सेकंड से घट रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है जो भी मैं बोल रहा हूँ? फिर से समझो मैं क्या बोला। अगर तुम आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी तरफ 40 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो तुम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने स्पीड कितने रेट से घट रहा है? 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से घट रहा है। ठीक है, याद है, समझ में? अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि 50 से कैसे घट रहा है? भैया आप कैसे बोल दिए 50 से ही घट रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं एक रेफरेंस में खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस फ्रेम मान लिया इस टाइप से समझना, और मेरे पास ऐसा है कि एक बॉल है यहाँ पे दरअसल, और यहाँ पे एक बॉल है। इस रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से मानो इस बॉल का डिस्टेंस x1 है, और इसको बोलो बॉल वन, इसको वन बॉल नंबर वन है। वहीं यहां से इस बॉल की दूरी मान लो एक समय के लिए x2 है, और ये बॉल टू है, बॉल नंबर टू। क्वेश्चन के हिसाब से जो मेरे पास भी है ना, भी वो पता है 10 मीटर पर सेकेंड है फॉर वन, वो किस वो क्या है, दैट इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वन बाई डी टी। समझ में आया ये डी ऑफ एक्स वन बाई डी टी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? और अगर तुम वी टू को सोचो, तो वी टू को भी मैंने बोला 40 मीटर पर सेकेंड, इसका वैल्यू माइनस ऑफ डी एक्स टू बाई डी टी होगा। अब ये क्या बला है, माइनस क्यों लगा दिए भैया? तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है मैंने माइनस क्यों लगाया? हम लोग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए, तो x2 का मतलब x2 दूसरे डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसीलिए वो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। एक तो ये लॉजिक अच्छा है, सही लॉजिक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका एक कारण और है। तुम लोग एक चीज बताओ, जैसे जैसे ये बॉल आगे की तरफ बढ़ेगा, ये x2 का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो यानी dx2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव होगा। जबकि अगर मैं कल को 40 मीटर पर सेकंड को dx2 by dt लिख दूं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ जो मेरा इस साइड जो है वो नेगेटिव नंबर है मेरे, और इधर मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू रख रखा है। तो दरअसल इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और नेगेटिव साथ में डाल दिए वहां पे। तो जब भी कोई चीज का घट रहा हो ना इस टाइप का, तो एक माइनस साइन आगे लगा देना, ठीक है? चाहे तुम आगे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ही क्यों ना मानो, पीछे डायरेक्शन को नेगेटिव, वो समझ में आ रहा है ना, वो पार्टिकुलर चीज घट रहा है ना, तो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए दरअसल ये किया गया। और बेसिकली जो लॉजिक होता है ना वहां पे, कि किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं दूसरे को नेगेटिव मान लेते हैं, उसका लॉजिक भी ऐसा ही कुछ होता है, सिंपल सेम ही लॉजिक होता है, ठीक है? नेगेटिव क्यों मानते हैं, क्योंकि एक तरफ बढ़ता है ना दूसरी तरफ घटता है, उस घटे हुए चीज का डी एक्स टू नेगेटिव होता है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन डालते हैं, ठीक है? अब एक चीज बताओ, एक चीज सिंपल सा बात, इनके बीच का डिस्टेंस ये है ना, एक समय के लिए सेपरेशन बिटवीन वन एंड टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू लिख सकता हूँ क्या? एक्स वन माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू बड़ा है ना एक्स वन से, इसको एक्स वन लिख सकते हो?
x2 - x1, यानी इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे वो x2 - x1 है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू, एक समय के लिए इसको मान लो r, r से बताओ, इज इक्वल टू dr / dt इज इक्वल टू p ऑफ x2 - x1 / dt। x2 x1 दोनों अलग अलग फंक्शन है तो दोनों को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर दो, तो दिस इज dx2 / dt - dx1 / dt। अब ऊपर हमारे पास dx2 / dt का वैल्यू कितना है बताओ, -40, और dx1 / dt का वैल्यू कितना है 10, तो माइनस साइन होने का -10, दिस इज इक्वल टू -50 m/s। ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि उनके बीच का सेपरेशन घट रहा है, तो घट रहा है ना इसलिए माइनस लग गया। तो हमारे पास जो सेपरेशन का रेट ऑफ चेंज आया उनके बीच का dr / dt कितना आ गया, -50 m/s। अब समझ में आया कि मैंने ये कैसे कह दिया कि उनके बीच का सेपरेशन 50 से घट रहा है। प्रूफ हो गया ना कि उनके बीच का सेपरेशन 50 से घट रहा है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आगे चल के ना बहुत जगह काम आएगा। ये जो भी मैंने तरीका ये बताया ना, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो, एक का डिस्टेंस x1 मान लो, एक का डिस्टेंस x2 मान लो, वगैरह वगैरह, ये चीजें अगर नहीं समझ में आई तो बोलो मैं फिर से समझा देता हूँ, लेकिन समझनी बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो अब बताओ, ठीक है, अब एक चीज बताओ, अब समझना, एक चीज और समझना, मैं एक चीज और बोलता हूँ, यहां समझो, एक्सेलरेशन ऑफ वन दैट इज g2x = g, एक समय के लिए मान लो g ही मान लेते हैं, और पॉजिटिव साइन इसका मतलब g आगे की तरफ होगा, ठीक है। और फिर से एक्सेलरेशन मतलब 2 का दैट इज g2x2 / dt² माइनस के साथ, उसको भी एक समय के लिए जी मान लो, ठीक है। ठीक है, एक्सेशन जी है। अब समझते हैं उनके सेपरेशन के बीच का, सेपरेशन के बीच का क्या होगा एक्सेलरेशन, एक समय समझते हैं। तो हमारे पास dr / dt कितना आया था, dx2 / dt - dx1 / dt। अब ये समझते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज d2 r / dt² दैट इज इक्वल टू, ठीक है, d2 x2 / फिर से उसी तरह करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, माइनस d2 x1 / dt². अच्छा, तो सेपरेशन तो ये हो गया, दैट इज d2 r / dt² / d2 x2 / dt² - d2 x1 / dt². अच्छा, ठीक है, सोचते हैं d2 x2 / dt² - g हमारे पास, d2 x1 / dt² भी हमारे पास, नहीं, एक गलती हमने किया यहाँ पे, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि g का डायरेक्शन दोनों में सेम है ना, समझो यहाँ पे एक चीज, इसके लिए भी g नीचे की तरफ, इसके लिए भी जी इस तरफ ही है और इस वाले के लिए भी जी इस तरफ ही है, तो दोनों के लिए ही दरअसल जो हमारा जी का डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है, तो हमने दोनों को पॉजिटिव ही माना, इसलिए नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का चक्कर नहीं। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक इसका वैल्यू भी जी है और इसका वैल्यू भी जी है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेट सेपरेशन के बीच का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, यानी कि उनके बीच में सेपरेशन के घटने का जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया, जीरो आ गया ना। तो अब एक चीज बताओ, इनके बीच का सेपरेशन घट रहा है, स्पीड इतना है, इनिशियल सेपरेशन कितना था, इनिशियल
सेपरेशन बराबर 100 मीटर, फाइनल सेपरेशन बराबर 0 मीटर, क्योंकि अंत में तो मिल जाएगा ना, टोटल टाइम कितना लिया जाएगा उसके द्वारा, 100 माइनस 0 बाय 50, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन 50 से घट रहा है, तो 100 माइनस 0 बाय 50 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आया भैया? 2 सेकंड होगा। ओह सॉरी 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 सॉरी, 2 सेकंड। वैसे देखो अभी जो है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ा, इतना कुछ कुछ करना पड़ा। जब हम लोग इस चीज को रिलेटिव मोशन में पढ़ेंगे ना, इसी टॉपिक को जब रिलेटिव मोशन में, बहुत आसानी तरीका से होगा, मतलब तुम लोग को 1 सेकंड नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, अगर तुम लोग को तरीका आ जाएगा तो। ये मैंने अभी इतना दूर तक इतनी इसलिए किया ना, इतना इसलिए किया कि तुम लोग के अंदर एक इंट्यूशन देना चाहता था, देखो इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, सेपरेशन को भी तरीका से घटा बढ़ा के भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है? सबको समझ में आया ना? श्रेया समझ में आया? नो सर, कुछ नहीं समझ में आया इसमें? नो सर। अरे तो सर मत बोलो पहले, क्या कारण डिफरेंशिएशन का नहीं आना है? पता नहीं सर, कहाँ से प्रॉब्लम कहाँ हुई, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हुई होगी ना, जहाँ से नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो बहुत टफ चीज नहीं है ये तो मैं जानता हूँ। हो सकता है तुम्हें इनिशियल कुछ ना पता हो ऐसा, इसलिए तुम वही रीजन हो सकता है। दिव्यांगी तुम्हारा क्या रीजन है? सर मेरे को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? देखो अभी बहुत ज्यादा इस चीज को स्ट्रेस मत लेना, इसलिए क्योंकि इसको मैं फिर से पढ़ाऊंगा, बट हाँ इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा वहां पे मैं इसका एक तरीका बताऊंगा, एक आसान तरीका, इसके बदले एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे और इसी चीज से होंगे। बट ये मैंने इसलिए बताया ना ये सब चीजें, इसलिए क्योंकि ये सब चीजें बहुत स्मूथली चलता है, एकदम बहुत स्मूथली हर एक चीज को लेके चलता है, तो आगे चल के अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से होगा ना, क्योंकि बहुत टफ टाइप का लगे, ये सब तरीका ना आसान कर देता है उस सब चीज को, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि लोग कैसे करते हैं। पहले तो मैंने एक रेफरेंस फ्रेम माना, स्टैटिक रेफरेंस फ्रेम माना, X1 माना, X2 माना, दोनों के बीच का सेपरेशन रिप्रेशन किया, उनका स्पीड निकाला वगैरह वगैरह। नहीं तो ये तरीका तुम्हारे पास नहीं करने का, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तरीका तीनों को समझ में आया ना, ये वाला तरीका? इसमें भी नहीं समझ में आया? कभी अगर कभी टाइम मिले ना, मतलब आगे चल के अगर जब कुछ मतलब जब सब कुछ समझने आने लगे, फिर से एक बार ये समय तरीका समझ, बहुत अच्छा तरीका है, मतलब इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा हार्ड देखने फैंसी भी लगेगा, अरे यार मैंने इस टाइप से कर दिया, देखो डिफरेंशिएशन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली है ये वही चीज़ जो हमने पहला तरीका से किया, लेकिन एक थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करके किया कि चीज़ों का, अच्छा देखो डिटेल में क्या हो रहा है, चीज़ थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं ना, तो किसी भी मोशन को और अच्छे समझने में हमें फ़ायदा होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा तुम लोगों को ये चीज दिखता तो है ना, कोई महीन के कारण ऐसा तो नहीं ना कि दिक्कत हो रहा हो देखने में, क्योंकि तो थोड़ा सा मैंने पेन को बहुत ही कर दिया है, दिखता है। नहीं अगर आई पे स्ट्रेस पड़ रहा हो तो बोलना, मैं बड़े बड़े लिखना शुरू कर दूंगा, वो बड़े में डार्क डार्क लिखना शुरू करूंगा थोड़ा सा। मान लो एक बॉल है जो कि नीचे छोड़ दिया गया, रिलीज, मैंने बताया था ना शुरू में कि अगर रिलीज दिया हो तो यानी कि रेस्ट से छोड़ा गया है, ये चीज समझना है। यहाँ से यहाँ की दूरी 80 मीटर है, ग्राउंड से टॉप कोर्ट की 80 मीटर, यहाँ एक बंदा है ठीक है, जो कि इस बिल्डिंग से 200 मीटर की दूरी पे खड़ा है। इनिशियली यू इसका 0 है, पूछता है कि इस आदमी को कितना फास्ट भागना चाहिए, कितना फास्ट, पूछता है मिनिमम एक्सेलरेशन सो दैट ही कैन कैच द बॉल,
फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ मैन सो दैट ही कैन कैच द बॉल। यहां पे सबसे जरूरी चीज है ना वो ये मिनिमम का टर्म। एक बार तुम लोग इसको खुद से ट्राई करो, 5 मिनट टाइम देता हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। नया क्वेश्चन, एक तरह का नया टाइप का क्वेश्चन इसके करना जरूरी। हुआ 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो देखते हैं करके एक बार। अच्छा लॉजिक क्या है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लाने वाला का, मतलब लाना है जो आपने लाया उसका लॉजिक क्या लगाया उसका? बॉल को नीचे गिरने में मतलब टोटल टाइम 4 सेकंड लगेगा, तो फिर ये आदमी जितना देर में भागेगा तो 200 मीटर वो मतलब फॉर्मूला में ही डायरेक्ट पूछ रहे थे तो वहीं से एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जमीन पे गिरे ही ना हवा में कहीं, मतलब गिरने से पहले ही बहुत पकड़ ले। इट कैन बी नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि नहीं बताइए, बताओ ये हो सकता है कि नहीं? कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि बॉल आए आए और इसने यहीं पकड़ लिया, इतना दूर तो ये गिरा ही नहीं। अब इतना दूर इसका हाइट हो सकता है या कुछ और दूरी हो सकता है, क्योंकि ये अपना हाथ ऊपर करके भी तो पकड़ सकता है, तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो एक्सेलरेशन 25 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तुमसे मिनिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, वो मिनिमम का केस तभी सेटिस्फाई हो पाएगा जब आदमी उसको जस्ट ड्रॉप करने से पहले पकड़े। वो जो मिनिमम क्वेश्चन में दे रखा ना, वो वर्ड मिनिमम, उस मिनिमम का मतलब ही यही होता है कि एक्सट्रीम केस लेना, जस्ट वो गिरने वाला है और तुमने इसको पकड़ लिया, जस्ट गिरने से पहले तुमने इसको पकड़ा, उस केस को बेसिकली कंसीडर करना है अपने को। इसीलिए आंसर 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा क्योंकि वो मिनिमम केस है।
चलो एक बार हम भी कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, तो 200 मीटर है। अब सोचो यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम कितना लगेगा। S80 है, U0 है, तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, इसका मतलब टी इसको कितना लग गया, 5 सॉरी 4 सेकेंड। अब अगर इसको टी 4 सेकेंड लगा, तो इस आदमी को यहाँ से यहाँ पहुँचने में तो 4 सेकेंड लगेगा ना। अब यू जीरो है तो एस कितना दे रखा है, 200 बराबर हाफ इंटू ए इंटू 16, विच इम्प्लाइज दैट एक्सलेशन बराबर 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये बंदा 200 मीटर मात्र 4 सेकेंड में कवर कर पा रहा है। तो पता जो जिसका बात हो रहा है वो नॉर्मल इंसान हो सकता है क्या, यानी नॉर्मल इंसान 200 मीटर 4 सेकेंड में कवर कर सकता है क्या? नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है 100 मीटर का पता है? शायद कुछ 9 सेकेंड है। 9 पॉइंट कितना क्या लगता है? अच्छा किसका है ये पता है? और मिल्खा सिंह का, मिल्खा सिंह का क्या दिया? मिल्खा सिंह का कितना रिकॉर्ड है 100 मीटर का? आई थिंक उसेन बोल्ट का 9.49 है और मिल्खा सिंह का 9.53 है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। 9.58 है, 58 है ना, ऑल ओलंपिक पर 9.63 है। सही है, यानी कि ये नॉर्मल इंसान तो हो नहीं सकता, यानी कि सुपरमैन टाइप का आदमी होगा जो 4 सेकंड में कवर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा समझना एक चीज क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन थोड़ा सा एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझना पहले। भैया लास्ट वाला क्वेश्चन में हम लोग मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या? मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल तो सकते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी चल सकता है क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन? जैसे ये वहां से गिरे, स्पीड ऑफ लाइट जाए, वहां जाके रुक जाइए, ऐसा कुछ? हाँ भैया। तो मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकता है ना, लेकिन 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 अभी कहाँ, बात यहाँ ये है कि उसको वहां रुकना भी होगा ना, क्योंकि दीवार तोड़ के तो बाहर निकल नहीं जाएगा वो। ऐसा है कि देखो हम यहाँ पे कमेंट करना थोड़ा सा दिक्कत वाले बात होगा। इन्फिनिटी मान के ही चलते हैं, मान लेते हैं इन्फिनाइट एक्सेलरेशन, ताकि जैसे ये बॉल गिरे वैसे ये पहुंच के वहां तैयार हो जाए और वहां पे रुका रहे जब तक बॉल ना गिरे। तो मिनिमम 25 और मैक्सिमम इनफिनाइट एक्सेलरेशन जितना वो ला सकता है, जितना लाने का उसको लाए, वो क्या मतलब कितना लाना चाहता है। बट पॉइंट ये है कि इनफिनाइट एक्सेलरेशन होगा नहीं उसका, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन इनफिनाइट होगा ना तो कुछ कुछ पाबंदी से आ जाएंगी उस पर, तो एक वैल्यू निकलेगा, इनफिनाइट नहीं निकल सकता। इसका आंसर अपन इस लेवल पे बोल सकते हैं कि भैया इनफिनाइट एक्सेलरेशन हो गया, बट इनफिनाइट नहीं हो सकता, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत करने लग चला जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है, कुछ हो नहीं सकता। और अगर इनफिनाइट एक्सेलरेशन हुआ भी तो उसको इस टाइप से बैलेंस करना पड़ेगा अपने आप को कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ना हो पाए उसका, या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए कि कुछ अलग ही होने लगे। जैसे ही एक्सेलरेशन उसका स्पीड, जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट को टच करेगा ना, उसके समय स्लो पड़ जाएगा, टाइम स्लो हो जाएगा उसके लिए, उसके बाद बॉल आती रहेगा अपना, ये सब चीज़ अलग बात है। तो मैक्सिमम कहने के लिए ना थोड़ा सा और भी इसके पे करना पड़ेगा, रिसर्च वगैरह चीज़ें समझनी पड़ेगी और बेसिकली, लेकिन चलो कोई नहीं। चलो अब समझते हैं एक चीज़ समझना, ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट वो समझना। जैसे मान लो कि तुम एक ट्रेन के डब्बा में हो, और तुम खिड़की पर से एक बॉल को गिरा दिए, यू हैव रिलीज्ड अ बॉल, रिलीज किया गया, ध्यान रखना। अब एक चीज ये समझो कि
तुम्हारा जो ट्रेन है ना, ट्रेन के पास स्पीड उस इंस्टेंट पे मान लो भी है, और तुम्हारे ट्रेन के पास उस समय स्पीड एक्सलरेशन ए है। जिस समय तुमने उस बॉल को खिड़की से रिलीज किया, उस समय जो तुम्हारे ट्रेन का स्पीड है वो भी है, और उसका जो एक्सलरेशन है वो ए है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझना। तो अब जब हम इसको छोड़ेंगे इस बॉल को, तो हमने इसको रिलीज किया है, तो छोड़ने के बाद इसका बिहेवियर किस टाइप का होगा वो समझते हैं। जैसे ही तुम छोड़ोगे ना इसको, तो बॉल के पास एक वो स्पीड जरूर होगा जो ट्रेन के पास थी, क्योंकि जिस समय तुमने इसको छोड़ा तो तुम्हारे हाथ के पास वही स्पीड था जो कि ट्रेन के पास था, क्योंकि तुम ट्रेन के साथ साथ चल रहे हो, और तुम्हारे हाथ से जगा हुआ था ये तुम्हारा बॉल। जैसे तुमने इसको रिलीज किया, तो जैसे ही तुमने इसको नीचे छोड़ा ना, तो इसके पास एक भी इस तरफ आ जाता है जो उस फ्रेम का है, जिस फ्रेम से तुमने इसको छोड़ा। जरूरी नहीं कि ट्रेन, मान लो तुम लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो और तुमने बॉल को छोड़ दिया, तो बॉल के पास वो स्पीड जरूर होगा जो उस लिफ्ट के पास था, बट एक्सेलरेशन नहीं होता। ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन वो एक्वायर नहीं कर पाता है जिस फ्रेम से वो छूटा है। यानी अगर ट्रेन ए एक्सेलरेशन से चल रहा है ना, और जैसे ही तुम उसको छोड़ोगे, उस बॉल के पास कोई हिस्ट्री नहीं होगा उस एक्सेलरेशन का। इसलिए एक्सेलरेशन को हिस्ट्री लेस क्वांटिटी बोलते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो कहाँ था आप एक सेकेंड पहले। किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन अभी क्या है ना, वो डिपेंड कभी नहीं करता कि एक सेकेंड पहले उसका एक्सेलरेशन क्या था। हाँ, कभी उसका स्पीड क्या होगा, मान लो अगर तुमसे कोई पूछे कि किसी पार्टिकल का किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड क्या, इट कैन डिपेंड, इट मे डिपेंड कि उसका एक सेकेंड पहले स्पीड क्या था, बट एक्सेलरेशन एक सेकेंड अभी क्या है ये डिपेंड नहीं करेगा कि एक सेकेंड पहले क्या था। और एक्सेलरेशन अभी क्या है ये भी डिपेंड नहीं करेगा कि एक सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा। यानी एक्सेलरेशन एक इंस्टेंटेनियस ही चीज होता है, यानी किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे ही उसका कुछ एक्सेलरेशन होता है ना, वो एक सेकेंड पहले का अपना हिस्ट्री जानता है ना एक सेकेंड बाद का हिस्ट्री जानता है, जिस पॉइंट पे उसी पॉइंट पे। सिंपल सा मतलब समझे, पूरा का पूरा चीज का कंक्लूजन निकाले तो ध्यान से सुनना, एक ही कंक्लूजन आता है, वो चीज इंपॉर्टेंट है जानना। अगर तुम किसी भी चलते हुए चीज से किसी को फेंकोगे ना, या रिलीज करोगे, थ्रो करोगे, रिलीज करोगे, तो उस चीज के पास जिस चीज से तुमने फेंका, जहां से तुमने फेंका, वहां का स्पीड तो होगा, वेलोसिटी तो होगी, बट एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन कोई चीज कैरी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ स्पीड कैरी करता है। इसका मतलब अगर तुम इसको ट्रेन से रिलीज करोगे ना, इस बॉल को रिलीज करने के जस्ट बाद उसके पास एक वेलोसिटी तो होगी इस टाइप जो कि ट्रेन का था, लेकिन एक्सेलरेशन ट्रेन वाला नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर जगह बहुत जगह काम आएगा तुम्हें। समझ में आया? चलो इसको लिख लेते हैं क्या है नहीं है। आज तो बच्चे बहुत कम हैं, क्या हो गया सबको? हम चाहते भी यही बच्चे से मेरी क्लास में वही हूँ को पढ़ने में मन लगता, नहीं तो निकल सकते, कोई भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा वो स्नेहा तुम्हें वो काइनेमेटिक्स का मिला था?
इस कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट हो, कोई मन में डाउट आ रहा हो कि भैया ये वो तो पूछ सकते हो। अच्छा मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देना। मान लो सोलर सिस्टम से सन गायब हो गया, लेट अस सपोज, मान लो हमारे सोलर सिस्टम से सन गायब हो गया, तो कितना देर के बाद पता चलेगा हम लोगों को सन गायब? 8 मिनट के बाद। ओके, तो ये तो उस आदमी को पता चलेगा ना जिसके इधर दिन होगा, जिसके इधर रात है उसको कैसे पता चलेगा? अब देखो अगर कोई डार्क मून डे होगा या नो मून डे होगा तो अलग बात है, बट सिमिलरली बात यही है कि उसको मून दिखना अचानक बंद हो जाएगा। जैसे ही अचानक मून दिखना बंद हो जाएगा, अगर आसमान साफ है, अगर बादल वादल नहीं है, तो फिर उसको लग जाएगा कि कुछ हुआ, बाद बाकी न्यूट्रल तो काम कर ही देगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यू है, मतलब इस पे नहीं, सन वाले पार्ट पे नहीं, अभी ऊपर लेके आ। हाँ, अब ये चीज तुम लोग हमेशा ये चीज दिमाग में रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस पे एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी मैंने पूछा ना क्वेश्चन सन वाला, उस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछूंगा अलग से इसी बेस पे। तुम लोग उस चीज को दिमाग में रखना अपने, कि 8 मिनट 16 सेकंड लगेगा पता लगने। क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा एक लिफ्ट है, ठीक है, जिसका स्पीड दे रखा है u, जिसका एक्सेलरेशन दे रखा है a। अब कोई आदमी ना उस एक कॉइन को रिलीज करता है जो कि उस लिफ्ट के फ्लोर से 2 मीटर के ऊंचाई पे है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस कॉइन को कितना टाइम लगेगा उसके रिलीज करने के बाद उस फ्लोर को टच करने में, हिट करने में कितना टाइम लगेगा उस लिफ्ट के फ्लोर को। तो बनाओ, देखो बनता है। वाह,
चलो देखते हैं क्या होगा आखिरकार, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, तो सोचते हैं। तो लिफ्ट भी इस बार मेरे बार इस बार जो है वो लिफ्ट भी नीचे जा रही है, तो ग्राउंड फ्रेम से हम लोग कभी क्वेश्चन करने आता है तो ग्राउंड फ्रेम से ही करेंगे। एट ई इज इक्वल टू जीरो मान लिफ्ट बनाते हैं, क्वाइन और उसके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, एट टी इज इक्वल टू सम टी नॉट, मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद लिफ्ट कुछ नीचे डिसेंड कर गया होगा और मान लो उस समय वो कॉइन हिट कर गया, उसको कॉइन क्या कर गया, उसको हिट कर गया टी इज इक्वल टू टी नॉट पे। तो क्वेश्चन के डायग्राम के हिसाब से लिफ्ट जो है वो यहाँ से नीचे चला है और बॉल जो है वो दरअसल यहां से वहां तक गया, यानी कि बॉल ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लिफ्ट ने ये ट्रेवल किया, ठीक है। तो मान लो कि बॉल ने एक्स ट्रेवल, सॉरी इस लिफ्ट ने एक्स ट्रेवल किया, तो बॉल ने कितना ट्रेवल किया, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू होगा ना। अब x प्लस टू को मैं लिख सकता हूँ क्या, टेन टी नॉट प्लस हाफ टेन इंटू टेन, मतलब g का, इसको g का वैल्यू लिख रहा हूँ, टेन मतलब g का वैल्यू लिख रहा हूँ, तो हाफ टेन टेन टी नॉट प्लस हाफ इंटू टेन इंटू टी नॉट का स्क्वायर। वहीं पे मैं x का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, टेन टी नॉट प्लस हाफ इंटू फोर इंटू टी नॉट का स्क्वायर। कोई दिक्कत इस इक्वेशन में, कोई शक हो तो बोलो, नहीं लग रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा है इसमें, सिंपल सा बात है। मैंने अभी बोला कि जब तुम इसको रिलीज करोगे ना, तो जो आदमी रिलीज कर रहा है वो भी लिफ्ट पे ही खड़ा है ना, तो लिफ्ट का स्पीड आदमी के पास है, तो रिलीज करने के बाद इस बॉल के पास भी वही स्पीड आएगा t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू, इसलिए मैंने इनिशियल स्पीड बॉल का भी 10 लिखा, लिफ्ट का भी, लिफ्ट का तो 10 है ही, लेकिन लिफ्ट का एक्सेलरेशन 4 है, लेकिन बॉल को छोड़ने के बाद उसका एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है ना उसके कारण गवर्न होगा और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करने वाला है। अब एक ही चीज बचा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 बराबर 3 t नॉट स्क्वायर, आई थिंक कि t का वैल्यू आ गया, विच इंप्लाइज t बराबर 200 2 by 3। ठीक है, क्लैरिटी है इस चीज में। चलो अब मैं एक होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन उसके बाद आज लिख पाएंगे, क्वेश्चन लिख लेना तुमको, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है बैलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड acceleration 1.25 m/s² after 8 seconds a stone is released from balloon. Find time the stone to reach ground. इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ, बुक कर देना, आंसर विल बी, एक मिनट कर लीजिए, फोर सेकेंड आई थिंक, लोग करना देखना होता है, फोर सेकेंड है आंसर इसका, फोर सेकेंड है, आराम से ट्राई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
होमवर्क है ये तुम्हारा, एक बार ट्राई करके देख। ठीक बच्चों, अब एक बार ओके बाय। कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो पूछ लो।